भगवत मान, भगवत मान सीएम बन गया वै। मैं हसया क्यों वै, मैं इस वास्ते हसन दिया वै कि यकीन निगाह होंद कि यह सीएम इदा का भी होंगे वै, मतलब कि जोड़ा गलिया के लोगों हसाने वाला स्टेजा से खलो के लोगों, मतलब कि अपने फनकार की अपनी फनकारी के लोगों हसाने वाला इदा का भी सीएम हो सकता वा। अच्छी तुम वीडियो देखोगे भावें तू भी यकीन ना आता हो कि यार ये वाकई ही इनू पता सगा कि मैं अज सीएम बनागा। मेरा ख्याल कहता सीएम भावें अज जो सीएम बनया वा उन्होंने भावें आप यकीन ना हो कि मैं अज सीएम बन गया। अभी तुम वीडियो देखो बड़ी ज़्यादा फनी है, आनंद आएगा, स्वाद आएगा। हाँ जी, वट्सअप आंदे, इंस्टाग्राम आंदे, फेसबुक आंदे, फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, वट्सअप से मैं मजीद इदा दीडियो सेंड करो। सो वीडियो स्टार्ट करिए, गो खड़े होना वोटा च पंजाब च। अच्छा इतने रिहर्सल करके देख चल जे वोटा पाउनी पाउनी ना सही है ना सही है ठीक है रिहर्सल है ठीक है रैली है समझ रैली है पर वोटा मंगनी तू गल ते शुरू करेगा मैं पूरी करूंगा। मेरे भाइयो मेरी ओ भरजाइयो ले कुट पैन वाला काम होना शुरू हो ते मेरी ओ भैनो एदी ओ भैनो हैं हां जे रैलियां ते भैणा बनाउण लग गया पंजाब च चीजे पता किन्ने होणगे ओ यार बहुत अच्छे क्या बात है, पता लगता है कि पंजाबी प्रोग्राम हो रहा है। आ दो तीन जो चीका मारते मैं साढ़े इलाके लगते है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया। हैलो, बड़ी वड्डी गिणती दे विच तुसीं अपने परिवार समेत इत्थे आए हो। वैसे जिन्हें जिन्हें अज मैनूं पहली बारी देखिया उन्हां नूं मेरी सेहत देख के दुखी होया हो भी सुणिया की सी निकलिया की है। सही गल है, खैर कोई नहीं, अपनी सेहत तो वध कम करके जाण दी कोशिश करूंगा मैं। ते वाकई सही गल है, आ मुंडा मेरे नाल है। ए अपना नाम आप दसूगा, की नाम है तेरा? मेरा नाम जी जगतार जगी। जगी मतलब जग दे घर वाली है, जिम्मे गिलास गिलासी कौला कौली ए जगी है। ना यार भांड्या ना जे भांड्या चू रखना सी रख लेंदा जगतार डोंगा है। ओए कौलियां तेरिया भैणा ने, ओए गड़ भी तेरी मां है, ओ डोलू तेरा प्यो हो फिर। इधर दे लोकी पढ़े लिखे, पढ़े लिखे ना भी हो इन्ने मतलब वधिया ने, बोल चाल इन मैनर्स ने। पंजाब देख ला तेरे इलाके च, खास तौर तेरे एरिए च, बुढ़िया एहो जिहियां पुरानियां उन्हां नूं बिमारियां कईआं दे नाम नहीं पता हुंदा। गल सुन ला, मेरे इलाके तवा लाई जाणा, पिंडां दीआं बुढ़ियां तवा लाई जाणा। गल सुन ला, मैं तैनूं ना के बिमारियां दे नाम नहीं पता हुंदा। साडे इलाके दीआं बुढ़ियां जदों डाक्टर दे जांदियां ना, बिमारियां दी गल तां इक पासे, डाक्टर नूं सुणे इलाज दस दिंदियां ने। हां किवें? हां डाक्टर पुछदा, हां माई की तकलीफ है? वे कोड़िया तकलीफ तलूफ काहदी आ पुत, कल पुत्तां दी जदों पिछले जे पैर लैट गई आ भाई, मेरा तां सज्जा फेफड़ा खड़ गया। ला डाक्टर सोचदा बुढ़िया शरीर च फेफड़ा कि मीटर लगा जिहड़ा लाइट जाण नाल खड़ गया। ला अच्छा, ते भाई फेफड़ा खड़न नाल शरीर च इहो जी हवा भरी ने, पुत्तां दा इहो जिहा गोला उठिया सिद्धा सिर च वड़ गया, उहदे नाल भाई दिमाग च मोरी हो गई। डॉक्टर सोचता पूरी शरीर का पार्लीमेंट वाला हाल होया पाया, हरेक अंग एक दूजे नाल छित्रो छित्री होई जांदा है। दिमाग च मोरी होण नाल पुत्तां दा खून सिद्धा अंदरां ते डिगण लग गया, उहदे नाल भाई वत जे आउण लग गए, मूंह बक बका जिहा हो गया ते ढिड दुखण लग गया। इह हुण पुत कसमैले जे पत्ते वाले कैप्सूल नाल हटूगा, इलाज भी नाले दसदा। ला डॉक्टर कहिंदा जे हुण ऐ कसमैले जे पत्ते वाले उत्थों ही लै लैंदी, मेरे कोल की करन आई सी फिर। हैं फर्क है, ऐसी गल नहीं, डॉक्टर पढ़े लिखे हुंदे आ, किवें उहनां नूं पता बुढ़ी जो मर्जी कह रही आ उस बीमारी नूं अंग्रेजी च की कहिंदे आ। अंग्रेजी च की कहिंदे, किवें बणाएगा अंग्रेजी जदों कोई बुढ़ी ना नमस्ते ना सासरी काल आउण सार कहिंदी आ वे भाई ढिड च कंगरोलियां जिहां उठी जांदियां ने, ते तकाउणा हुंदा गोड्यां च झरन झरन नाल कुरबल 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 ते झरन झरन दी अंग्रेजी दस्सदी होंदी। अच्छा गल है कोई यार, नहीं वैसे अजकल पिंडा च बहुत तरक्की की, मैं देखिया पंजाब के सारे पिंडा च किवें चार चार क्लीनिक खुले हुए एक पिंड। क्लीनिक ने किसी ने रुलदुकी बैठ के चार शीशियां धर लिया, किसी ने आपका डंगर वाला वाड़ा वेला कर लिया है, और कुल्ली च पा के टीका ला लेंदे ने। और साडे पिंड है वह पतंदर वह ग्लूकोज बांह च नहीं लाउंदा, गिलास च पा के पिया हुंदा, कहिंदा शरीर च भजाउणा जिवें मर्जी भजाइए। फर्क है काका, कैसे डॉक्टर यार नहीं पैसे कमाई जाते, उन्हों का मकसद सिर्फ पैसे कमाना। हाँ जिवें डॉक्टर है पैसे कमाई जाते हैं, हाँ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਈਏ।
चोन निशान रखांगे अंब मैंगो खान वाला क्यों यह नाले दे लोकां दे पसंदीदा फल है फल तां मिठा है नाले वोटां वेले मुंह चढ़ू मोरां अंब ते लाओ मोरां अंब ते लाओ छत्तर टमाटर आंडे इधर होने भाजी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं हां आ जा रेडी आ जा रेडी जिथो मर्जी पूरी करा बंद छी नहीं कोई आ जा चक दियो मेरे भरावो इथो जावो कुट पैन कम हो शुरू हो मेरी भैन एन आज रैलिया के भैं बना लग गए पंजाब चीजे पता किन्ने हो यार मैं कहन दिया कि यह भगवत मान को सीएम नहीं सी होना चाहिए ये मैं तुम्हें दसदा अच्छा जो मैं वीडियो देखन दिया से इन्हां दी तो मैं इंज फीलिंग मैं इंज महसूस हो दिया सीगा कि इन्हों पता सीगा कि मैं सीएम बन जाना एक दिन आएगा लेकिन यकीन नहीं गा हुंदा इदां दी वीडियो देखो बंदा भी तुसीं किसे नूं भी दिखाओ ना कि साढ़े पिंड का आ जिहड़ा सीएम जे पिंड का कहने साढ़े पंजाब का मेरे मूँह में उदा दल निकल लग पे पंजाब का सीएम देखना जो किसी ने भी तुम किसी दसो ना किसी बहर आए भी किसी भी मुल्क खास तौर तो साढ़े पंजाब में साढ़े पंजाब में दसो अगर किसी ने साडा सीएम देखना हो आ जाओ अगों यही वीडियो चली होने कहना ताडा सीएम भी सीएम इस तरह का भी हो सकता मतलब कि लोगों यकीन नहीं आएगा क्योंकि टैलेंट है यार मैं सच्ची गल कहांगा कि इन्ना टैलेंट है कि जिहदा कोई हिसाब कोई नहीं जिदा इस टैलेंट दे विच सीएम बनिया वा मेरा तो यह कहना वा कि इस तरह टैलेंट दे विच लोग अगे होने चाहिए है तो बाकी मैं एक चीज़ मैं तुहानूं दसां एक होर चीज़ जिदा भगवत मान दे विच इन्ना ज़्यादा टैलेंट है ये अपने आप नूं समझदा वा कि मैं किड्डी ज़्यादा मेहनत की है मैं किस तरह मतलब कि मैं किड़े किड़े पापड़ बेले है मैं किस तरह आके सीएम बनया वै मतलब कि थले गरीब घर दे विच्चों उठ के मेहनत करके जुगत करके लोगों नू हसा के इन्ना इन्ना कुछ करके मैं आखिर आके सीएम बनया वै तो इन्हों टैलेंटेड अज के मौजूदा टैलेंट का एक एक चीज़ का पता होएगा तो सीएम भी इदा का ही होना चाहिए वह पिछला सीएम ना हो पिछला सीएम कैप्टन सीएम कैप्टन की कहता है मैनू तो वो इस गलते बड़ा ज़्यादा गुस्सा सगा कि जो क्या उन्हें कि पाकिस्तान के सवेरे सवेरे लोग जाएंगे सिख यात्री पाकिस्तान के जा के वापस आतंकवादी बन के फिर दोबारा वापस घर आए मतलब कि कुछ जो उन्हें कुछ इदा की गल की सूँ पाकिस्तानी बड़ा गुस्सा चढ़िया हालांकि ये पहला सिख से जिन्हें पाकिस्तान के बारे कुछ इदा का बोलिया हालांकि जोड़े असी देखे ना जिन्हें भी सिख देखे है किसी ने भी पाकिस्तान के बारे माड़ा नहीं बोलिया बल्कि पाकिस्तान की किया पाकिस्तान एड्डी ज़्यादा इज्जत दी है कि असी बड़े ज़्यादा खुश हैं असी सिख सरदारा को पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश है बल्कि पाकिस्तान की कहें है वो पाकिस्तान कहें है पाकिस्तान की पाक पवित्र धरती मतलब जो इदा के अल्फाज कहें आप इमेजिन करो कि सानू लोगों एडा ज़्यादा अच्छा लगा दूजा गोदी मीडिया ही करता वै
ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਕੜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਬੜਾ ਤਕੱਬਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਕਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਐੱਮ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀ ਐੱਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐੱਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਓ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਕਿ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਰਵਾਉਂਦਾ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵੈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਨਾਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੌਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਲੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਏਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਐੱਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਐੱਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।